हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूएई वीज़ा से रिलेटेड कुछ अपडेट्स सामने आए हैं। क्या है ये अपडेट्स, जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, यूएई वीज़ा एमनेस्टी ऑफर्स चल रहे हैं यूएई के अंदर, आप सबको पता ही है। तो इसमें छोटे छोटे अपडेट्स आ रहे हैं, आप सबके क्वेश्चंस भी आते हैं इससे रिलेटेड। तो ये जो अपडेट सामने आया है वो ये है कि अगर आप वीज़ा वायलेटर हैं और आप आउटसाइड द कंट्री हैं, यानी कि आप पहले ही एग्जिट कर चुके हैं, तो क्या आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत लोग बिना फाइन दिए ही आउट पास लेकर चले जाते हैं और उनके ऊपर ट्रैवल बैन भी लग चुका है आगे। तो वो लोग चाहते हैं कि अभी जो ये वीज़ा एमनेस्टी चल रहा है, तो ये लोग क्या आउटसाइड दी यूएई रहकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब है, आप नहीं कर सकते। ये वही लोग अवेल कर सकते हैं जो लोग इनसाइड दी यूएई हैं। अगर आप यूएई के अंदर हैं और 1 सितंबर से पहले का आपका वायलेशन है तो ही इसमें क्लियर किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ एक दो और अपडेट्स दिए गए हैं, वो अपडेट्स हैं। पहला कि जब आपको एग्जिट परमिट मिल जाता है, यानी कि डिपार्चर परमिट मिल जाता है, उसके बाद ही आप टिकट्स करवाएं, उससे पहले आप टिकट्स करवा के ना रखें। क्योंकि मान लीजिए आज आपने अप्लाई किया तो आपको लगा 2-3 दिन में आ जाएगा, चलो 14 डेज का टाइम रहता है, इसी बीच हम करवा लेते हैं, लेकिन डिले आ भी सकता है और डिलेज भी हो सकते हैं। इसलिए अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि पहले आप परमिट आने दीजिए, आने के बाद जो है आपको 14 डेज का टाइम मिलेगा, तब आप टिकट बुक करके जा सकते हैं। अच्छा, साथ साथ में ये है कि जिनके ऊपर अगर क्रिमिनल केसेस हैं या ऐसे केस है जो कि कोर्ट के ऊपर है, फैसला अभी भी नहीं सुनाया गया है, तो ये लोग एमनेस्टी ऑफर आपको नहीं दे सकते हैं। क्रिमिनल केस के लिए आपको कोर्ट से पहले पूरा क्लियर करना होगा, तभी आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। या फिर अगर कुछ हायर ग्रेड के क्रिमिनल केसेस हैं तो आप ये ऑफर का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। तो ये एक दो कुछ छोटे मोटे अपडेट्स थे इससे रिलेटेड, और आपके क्वेश्चन भी आ रहे थे इससे रिलेटेड। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।